भोपाल से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि एमपी की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बोले हैं अरुण यादव, फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है कोई भी चेहरा, कमलनाथ हमारे अध्यक्ष है, सभी फैसले वही लेते हैं, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा एमपी में चेहरा कौन होगा। संगठन विस्तार पर अरुण यादव का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया, मुझसे नहीं किया गया सलाह मशवरा, ये भी बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को लेकर 90% फैसले खुद लेते हैं कमलनाथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बीजेपी संगठन की तरफ से नसीहत दी गई है, जिनके संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, कि आपस में बड़े नेता समन्वय बिठाएं, वरना नीचे तक कुछ नहीं पहुंच पाएगा, कार्यकर्ताओं तक सही मैसेज नहीं जा रहा है, समन्वय बिठाने को लेकर संगठन की नसीहत आई है। देखिए, उनका अपना लाइन ऑफ एक्शन होगा बीजेपी का, कांग्रेस का अपना लाइन ऑफ एक्शन है, और ऑब्वियसली बात है इलेक्शन गोइंग स्टेट है और 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं मध्य प्रदेश में, तो सभी पार्टी अपना अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए, अब सिंधिया की स्थिति वहाँ क्या है हम सब लोग जानते हैं, किस तरह से उन्होंने और उनके साथियों ने एक चलती सरकार को धोखा देकर अपने निजी स्वार्थों के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया और एक अच्छी सरकार को गिरा दिया, तो ये प्रदेश की जनता को माफ़ करने वाली नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, जो पुराने भाजपाई होंगे उनको तो ये कष्ट हो गई, और कष्ट होना लाजमी भी है और वो होता रहेगा इनके रहने से। देखिए, अभी कुछ विस्तार तो किया है माननीय अध्यक्ष जी ने, और कुछ कार्यकारिणी वगैरह भी बनाई है, जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, 90% जिला अध्यक्ष उनके कहने से ही बने हैं ऐसा सुना है मैंने, और बाकी तो कोई कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता किसी से हुआ, शायद उनका या उन्हें करने की चेष्टा की होगी। अब वो चूँकि प्रदेश अध्यक्ष है और सारा मैंडेट उनके पास ही है, तो नेचुरली हम सब उनके मैंडेट पे काम करेंगे। देखिए, एक सिस्टम है हमारी पार्टी का, कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी ने बनाया है, वो हम सबके अध्यक्ष, हम तो कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो मैंडेट हमको देंगे काम करें, हम उसको करेंगे। कैमरामैन खेमचंद के साथ अमृतांशी जोशी, News 24 भोपाल। तो अरुण यादव के बयान को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है, बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ पर वार किया है, सुनिए। अभी इसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ, चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन सीएम कैंडिडेट का फेस होगा, तो उन्होंने कमलनाथ जी की उम्मीदवारी को नए सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद आज बड़े आश्चर्य की बात है कि अरुण यादव, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, जीतू पटवारी, दोनों ने भी कह दिया कि कांग्रेस में अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। इससे समझा जा सकता है कि कमलनाथ जी के चेहरे को चुनौती मिल गई है, कमलनाथ जी जो खुद के होर्डिंग लगवा रहे हैं भावी मुख्यमंत्री वाले, वो सारे उधर उतारना पड़ेंगे, और जो उनकी एमपी कांग्रेस लगातार ट्वीट में उन्हें भावी मुख्यमंत्री लिख रही, लगता है शायद उस भाषा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब सब नेताओं ने तय कर दिया है कि कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता नहीं है, वो कोई भावी मुख्यमंत्री नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि उनके नेतृत्व को चुनौती दी जा रही है,